हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन पोस्तो। ये एक बंगाली डिश है और ये बहुत ही बेहतरीन बनती है, आप भी ज़रूर बनाएं। और इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए हम आपको आगे बताते हैं। उससे पहले, आप अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो इसको प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और ये आप ज़रूर बना के एक बार खा के देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस टाइप के बैंगन आप इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। तो आपको लेनी है, चार ले लीजिए, पांच ले लीजिए, आपके फैमिली के अकॉर्डिंग जितनी आपको बनानी है। और हमें चाहिए मीडियम साइज के 3 पोटैटो, और चाहिए एक ऑनियन मीडियम साइज का, एक टमाटर मीडियम साइज का, और आपको चाहिए 3-4 ग्रीन चिलीज। सबसे मेन चीज इसमें जो है, इसको हम बोलते हैं, कोई बोलता है पोस्तो दाना, बंगाली में असली पोस्तो दाना ही बोलते हैं, और यहाँ पे दिल्ली में तो खसखस बोलते हैं। आप अपने लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, आपको ये लेना है कम से कम 3 चम्मच। इतनी थोड़ी सी सब्जी बनाने के लिए हमें तो कम से कम 3 चम्मच चाहिए। और आपको करना क्या है, इसको गर्म वाटर करना है, आपको थोड़ा सा गर्म हल्का गुनगुना पानी करना है, और इसको थोड़ा सा भिंगो के रख दीजिए तो आपको पीसने में बहुत इजी होगा। रखा, मैंने पहले से गर्म पानी करके रखा था, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। बाकी मैं अभी तैयार करती हूँ कि सब्जी को, पहले स्टार्टिंग में करना क्या है। अब हम थोड़ा सा गैस ऑन कर लेते हैं, इसमें हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं इसी कढ़ाई पे खाना बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको इसी में बना के दिखाती हूँ। इसमें 3-4 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, और मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज करती हूँ ना, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो इसीलिए मैं स्टार्टिंग से ही मस्टर्ड ऑयल ही यूज करती हूँ। जब तक मेरा तेल गर्म होता है मैं सब्जी को कट कर लेती हूँ। प्लीज आप जब सब्जी कट करेंगे तो गैस का फ्लेम लो रखिए। हमें सब्जी कट कैसे करनी है वो आपको दिखाती हूँ मैं। सिंपल एक बैंगन को लीजिए, ऐसे बीच में से कट कीजिए, फिर इसको इधर से कट कीजिए, अब इसको छोटे छोटे कट कर लीजिए। ऐसे ही आपको सारे सब्जी को कट कर लेना है। अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये हमारा बैंगन कट के तैयार हो चुका है। अब सेम ऐसे ही छोटे छोटे आपको आलू भी कट के, अब मैं दिखाती हूँ आलू को आपको कैसे कट करना है। पहले आपको अच्छे से इसको छील लेना है, और सारे सब्जी आप अच्छे से वॉश कीजिए प्लीज। ऐसे बीच में से कट करना है, ऐसे करना है, सेम ऐसे ही आपको कट करना है। थोड़े से पतले पतले कट करें, क्योंकि हमारा बैंगन जो होता है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसीलिए आप आलू को थोड़ा पतले पतले कट कर। ये देखिए, हमने अब दोनों सब्जी कट के रख दी है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखें, दोनों सब्जी मिक्स नहीं करना है आपको, अलग अलग काट के रखना है। अब चलिए हम दिखाते हैं कैसे बनाना है। देखिए, हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, हमें पचफड़ना चाहिए है, और 2 सूखी मिर्च और टर्मरिक पाउडर, आप 1 टीस्पून ले सकते हैं इससे, और बाकी सॉल्ट चाहिए आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें पचफड़ना डाल देना है, इससे जो टेस्ट बहुत ही दुगना, बहुत अच्छा हो जाता है अगर आप पचफड़ना से छौंक लगाते हैं। मैं बिल्कुल एक बंगाली डिश बना के दिखा रही हूँ आपको, उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगा। और 2 सूखी मिर्च भी आप डाल दीजिए, थोड़ा गैस हमने तेज कर दिया है,
हमने प्याज को वैसे स्लाइसेस में कट कर लिया था, आपको जो मैंने प्याज दिखाया था वन साइज मीडियम साइज का प्याज, तो इसको हमने ऐसे कट कर लिया था। अब हमें देखिए हमारा ये हो चुका है, अब इसमें हम प्याज डाल देते हैं। बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, हल्का गुलाबी करना है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि खसखस बोलते किसको है, तो मैं एक बार सोची आपको अच्छे से दिखा दूं कि एक्चुअली ये है क्या। ये देख लीजिए, ठीक इस टाइप में होता है, छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी होता है। अब हमारा देखिए प्याज भी हो गया लगभग, अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमें आलू को ही देना है और इसको थोड़ा हल्का सा भून लेना है, फिर इसमें हम बैंगन को ऐड करेंगे। अब हम इसमें बैंगन अभी ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का आलू हमने भून लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसको हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें हल्दी डालेंगे और नमक डालेंगे। देखिए ये हमने भून लिया है, अब इसमें हम नमक ऐड करते हैं। ये देखिए इसमें नमक ऐड कर दीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग नमक जैसे आप लेते हो खाने में वैसे ही आप यूज करें। मैंने 2 चम्मच डाल दिया और अब हम जो हल्दी रखे थे वो भी मिक्स कर लेंगे इसमें। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसको धीमी आंच कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए ढक दें, इसको कम से कम 10 मिनट के लिए ढक दें, इसको अच्छे से पकना छोड़ दीजिए पकने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारी सब्जी पक चुकी है, और हमने जो वो खसखस रखी थी ना उसको आपको मिक्सी में अच्छे से में ही एकदम पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। देखिए ये पक चुका है, अब वो मिर्ची और खसखस हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। बट उससे पहले जो हमने टमाटो एक आपको दिखाया था उसको हमने फाइनली चॉप करके रखा था इस तरीके से, तो इसको भी ऐड करके और ढक्कन ढक के 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए आप रख दीजिए, जब तक आप वो खसखस पेस्ट बनाते हैं। चलिए हम पेस्ट बनाने की तैयारी करते हैं। ये चाय छन्नी में आपको खसखस को छान लेना है, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, नहीं तो ये आपका सारा खराब हो जाएगा। इसको ऐसे करके आपको छान लेना है, और जो मिर्ची हमने रखा था उसमें इसको मिक्सी में ऐड कर लीजिए और इसको आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पीस लीजिए, एकदम बिल्कुल बारीक पीसना है। ये देखिए हमने इतना पानी डाला है, अब इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, और आप अगर जब आप पीसते हो इसको तो आपको अगर पानी की जरूरत हो तो आप जरूर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पीसा कीजिए। आप देखिए हमारा यहाँ पे टमाटर भी थोड़ा सा गल चुका है, सच में बता रहे हैं हम बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको ये सब्जी, आप एक बार जरूर बनाइए घर पे, एक नया रेसिपी आपके लिए। और हमें इसमें बिल्कुल भी वाटर यूज नहीं करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे खसखस जो हमने अभी पेस्ट बनाया है उसको, मिर्ची और खसखस को साथ में मिक्सी में ग्राइंड करके अब इसे हम ऐड करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही आपको ऐड करना है, और इसमें जो लगा है थोड़ा सा वाटर लेके आप इसको भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें,
अभी इस टाइम पे आपको थोड़ा गैस का जो है हाई कर देना है। अब देखिए हमारी सब्जी अच्छे से हमने मिक्स कर ली है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अब इसको हम एक बाउल में सर्व करेंगे और आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ, आप कैसे भी इसको खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। या तो आप चपाती के साथ खाइए या तो राइस के साथ। अगर राइस के साथ आप अगर दाल भी ऐड कर लेंगे और ये सब्जी उसके साथ, बहुत ही टेस्टी लगेगा, आप एक बार जरूर खा के देखें। और दोस्तों आप एक चीज का खास ध्यान रखें, आप जब खसखस ऐड कर लेते हैं उसको हल्का भूनना है, ज्यादा मत भूनिए, नहीं तो इसका टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। अब चलिए हम इसको कटोरी में सर्व करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा सब्जी तैयार हो चुका है और ये बहुत ही टेस्टी है, आप एक बार जरूर बनाइए और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिए। बाकी आपने जो हमें लाइक किया, कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।